तो आपको चेक कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा। TSSET 2021 के लिए सारी चीज़ें, आपको एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से, सारी चीज़ें अप्लाई करने होंगे, सारी चीज़ें अप्लाई कैसे किस तरीके से करने होंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल बनाया गया है TSSET के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करने क्या है, किस तरीके से करने होंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है TSSET 2021 IAS पर। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहती है इसके रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको तेलंगाना के रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं TSSET, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ये आपके सामने ये रहा। और यहाँ पर आप देख रहे थे कि ओस्मेनिया यूनिवर्सिटी OU जिसको बोलते हैं कनेक्टेड है तेलंगाना स्टेट से। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे, और यहाँ पर सारी चीज़ बताई गई असिस्टेंट प्रोफेशन के लिए। सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करनी है, सामने आपके फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या आपका, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है, और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी होती है, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, फिर गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करनी है। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आता रहेंगे गेट फ्री काउंसलर पर, तब क्लिक करना आपको। ओके, यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है इसमें तो एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर एडमिशन ज़रूर लीजिए। वो अप्लाई कर सकते हैं फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड बताई गई है कि एग्ज़ाम नेम यहाँ पर क्या है, फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्ज़ाम टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर बताया गया, एग्ज़ाम लेवल जो स्टेट लेवल का होता है, कनेक्टिंग बॉडी जो है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, और एप्लीकेशन मोड जो ऑनलाइन मोड से होगा, एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन मोड से, ड्यूरेशन 3 आवर्स का, एग्ज़ाम डेट विल बी अवेलेबल सून, और ऑफिशियली वेबसाइट जो ये है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर कुछ भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर ये आपके सामने, ठीक। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स बताई गई है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन जो है शुरू हो चुके हैं। तो आपको एडमिशन लेने के हैं, किस तरीके से क्या करने होंगे, क्या क्या सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है, UPS यूनिवर्सिटीज़ में आपको फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हो चुकी है, चंडीगढ़ में हो चुकी है, GT गोयनका, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटीज़, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, SRMU, SSIU, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे देश के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, लिखते, बातें करते, खेलते कूदते, साथ में रहते, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है, और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए। चलिए आगे बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना और अप्लाई कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी कैसे है, यहाँ पर इवेंट बताए गए, यहाँ पर डेट बताए गए, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बताए गए, यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट का है लास्ट वीक ऑफ मार्च, यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट वीक ऑफ मई यहाँ पर देख सकते हैं, हॉल टिकट अवेलेबल कभी होगा, लास्ट डेट कभी है जून में, एग्ज़ाम डेट कभी है, ओके, एग्ज़ाम का डेट बताया गया फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको कैसे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ मार्च यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा, मतलब फिर भी यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मई लिखा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कहाँ से करना, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, TSSET की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको करना होगा। यहाँ पर जो भी चाहते हैं और आपको खुद ही ढूंढना है, और वहाँ पर आपको आपके डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं, आपके नेम, आपके ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती है, सिग्नेचर्स, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ती है। तो आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, और आपको सही सही करना है सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया गया, जिस हिसाब से आपको जिस रूल्स बता रहे हैं उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ऑनलाइन मोड से आपको सारी चीज़ें करनी है, जब आप सबमिट करने जाएंगे उससे पहले आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना एप्लीकेशन फॉर्म का आपके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको फ्यूचर यूज़ के लिए। यहाँ पर आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस लगती है, तो फीस देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर मतलब बताया गया कि कितने रुपए में है यहाँ पर। तो फीस देख सकते हैं जनरल कैटेगरी हिसाब से अपना
और अलग अलग कैटेगरी हिसाब से आपका जो बताया गया कि ये इतना फ़ीस लगेंगे, इतना फ़ीस लगेंगे, ठीक है, 1,100 रुपीज़, 800 रुपीज़, 550 रुपीज़, तो ये देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह रहे हैं चाहे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे बताया गया कि जिसका भी कंप्लीटेड यहाँ पे फाइनल ईयर पीजी डिग्री, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स विदाउट द राउंडिंग ऑफ मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज UGC एलिजिबिलिटी सेट, जिसका भी यहाँ पर 55% मार्क्स यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर कंप्लीटेड आपका फाइनल ईयर भी जिसने भी किया वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखे थे BC SC ST फिजिकली चैलेंज जो भी यहाँ पर हैं वो लोग यहाँ पर 50% लाएंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री, और दे कैन अप्लाई इन दिस सेमेस्टर। यहाँ पर कैंडिडेट विद द लास्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट विल बी एबल टू गेट एट, और PhD होल्डर दे आल्सो कैन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और 5% आपको मिलते हैं जो 55% और 50% के बीच में आपको जहाँ पर मार्क्स मतलब रहनी चाहिए, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा भी ला सकते चलेगा। यहाँ पर आप देखे थे कि आपका यहाँ पर एज लिमिट बताई गई लेकिन सेट नहीं किया गया कौन कितना यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स यहाँ पर देखे थे कि क्या क्या बताया गया, तो यहाँ पर आप टेस्ट विल बी कंसिस्टेड ऑफ टू पेपर्स यहाँ पर होंगे, आपके टू पेपर्स होंगे फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पर 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे कंपलसरी। यहाँ पर पेपर सेकेंड 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी, और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 3 आवर्स के लिए होगा। और पेपर फर्स्ट यहाँ पर दे आर द 50 जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताए गए हैं, तो यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। यहाँ पर इसलिए आप प्रिपेयर करते हैं और टिप्स को जानते हैं, तो टिप्स जानना है तो मैंने जो वीडियो के इस चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करने हैं, जहाँ पर आपको प्रिपरेशन टिप्स के जो है वीडियो मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं उसे। और इसमें कुछ बताया गया नहीं, यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स और सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम टेबल बना के आगे जो रूल्स रहेंगे सारे उस हिसाब से डेली डेली के बेसिस पे आपको सारी स्टडी करनी होती है, तो इस तरीके की सारी करनी पड़ेगी यहाँ पर जो बताया गया है। फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दी जाती है आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर, तो जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं सबमिट कर देते हैं पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद कुछ जिस डेट पे बोला रहेगा उस डेट पे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ की जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अप्लीकेशन जो नंबर रहेगा और क्या रहेगा रोल नंबर जो रहता है आपका सारे चीज़ें वो सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो है जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो साथ में लेकर के आपको एडमिट कार्ड जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बिना नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, चेक कर सकते हैं। और रिज़ल्ट एंड सर्टिफिकेट भी आपको रिलीज़ कर दी जाती है यहाँ पर, जो रिज़ल्ट वो डिक्लेयर कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ पर एग्जामिनेशन आपको मार्क्स पे डिपेंड करता है, आप मार्क्स कितना लाते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए, सारी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। तो फर्स्ट में 40% यहाँ पर, सेकेंड में 40 और थर्ड में जो 75% 50 मार्क्स ऑप्टेन है मिनिमम मार्क्स, यहाँ पर आपको जितना बताया गया इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या सारी चीज़ें बताई गई एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको जो है रिजल्ट का आपके प्रिंट आउट निकाल लेना है, ऑप्शन आता है वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके। ओके, तो इस तरीके सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपके रैंक पर डिपेंड करता है कितने मार्क्स आपने लाए हैं। और कुछ भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक पर तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में आपको फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आती है तो। आप थैंक यू सो मच।